दोस्तों गुड मॉर्निंग, आ चुका है 6 जुलाई 2020 और देश के अलग अलग राज्यों से आशा और आंगनबाड़ी से संबंधित काफी जरूरी खबरें निकल कर आ रही हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं पहली अपडेट की तरफ। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ का चरणबद्ध आंदोलन शुरू। अपडेट निकल कर आ रही है बिहार के नवादा से। विभिन्न मांगों को लेकर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ की बैठक रविवार को बाल विकास परियोजना कार्यालय में हुई। लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए सभी सेविकाएं कार्यालय के समीप मास्क लगाकर बैठक की। सेविका मुन्नी देवी की अध्यक्षता में हुई बैठक में अपनी मांगों को रखते हुए नारेबाजी कर केंद्र संचालक के लिए सरकार के नियमों की आलोचना की। साथ ही सेवा को नियमित करने और उसे सरकारी नौकरी में मर्ज करने की भी मांग की गई। अध्यक्ष मुन्नी देवी ने कहा कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका लंबे समय से भुखमरी का शिकार बनी हुई है। आंगनबाड़ी कर्मियों को काम के अनुसार दाम भी नहीं दिया जा रहा। सामाजिक सेवा के नाम पर उन लोगों का मानसिक शोषण भी किया जा रहा है। पदाधिकारियों द्वारा अक्सर चयन मुक्त कर देने का धौंस दिया जाता है। उन्होंने कहा कि वे लोग एक होकर आंदोलन की गति को तेज करेंगे और आगामी 9 जुलाई को अपने कार्यालय तथा 16 जुलाई को डीएम व डीपीओ के समक्ष राज्य स्तरीय संघ के निर्देश पर राज्यव्यापी धरना प्रदर्शन करेंगे। और दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है मध्य प्रदेश के इंदौर से। जिले के 2500 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों की होगी रियल टाइम मॉनिटरिंग। इंदौर जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चले 15 परियोजनाओं के तहत चल रही आंगनबाड़ी केंद्रों की व्यवस्था को और अधिक सुचारू बनाए जाने के लिए राज्य शासन के निर्देशानुसार रियल टाइम मॉनिटरिंग की ऑनलाइन व्यवस्था लागू होगी। इसके लिए सभी 1839 आंगनबाड़ी केंद्रों का जियो टैगिंग कराया जा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों की कार्यकर्ताओं को तथा अन्य अधिकारियों को इस प्रक्रिया के संबंध में विभिन्न चरणों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह जानकारी महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर सीएल पासी ने रविवार को मीडिया को है। और दोस्तों अगले अपडेट निकल कर आ रही है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से। बेड़ीनाग की आशा वर्करों ने उठाई मानदेय बढ़ाने की मांग। बेड़ीनाग विकास खंड की आशा वर्करों ने मानदेय को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसके बाद एसडीएम भगत सिंह फोनिया के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया। वहां हुई सभा में आशा संगठन की पूर्व अध्यक्ष सावित्री पंत ने कहा कि आशाएं कोरोना काल में पूरी निष्ठा के साथ काम कर रही हैं। इसके बावजूद उनके ऊपर तमाम काम थोपे जा रहे हैं जबकि समय पर मानदेय नहीं दिया जा रहा। आशाओं को घर घर जाकर ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट, सांस, टीबी, अल्कोहलिक, सर्दी जुकाम, बुखार, बच्चों का विवरण, 65 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों, गर्भवती महिलाओं का विवरण देने को कहा गया है। इस कार्य में आशाओं को कोरोना संक्रमण फैलने का गंभीर खतरा है। उन्होंने 10,000 रूपए मानदेय देने की मांग उठाई। और दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होंगे आंगनबाड़ी केंद्रों के लाभार्थी। जनपद के आंगनबाड़ी केंद्रों के 1.95 लाख लाभार्थियों का डिजिटलीकरण होगा। इसकी शुरुआत सोमवार से होगी। लाभार्थियों का डाटा पोर्टल में फीड किया जाएगा। इसमें एक क्लिक मात्र से ही लाभार्थी को केंद्र से मिलने वाली सुविधाओं का ब्यौरा सामने होगा। जल्दी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन भी दिए जाएंगे। तब तक इस अभियान को गांव-गांव खुले सीएससी सेंटर के माध्यम से अंजाम दिया जाएगा। इस योजना से लाभार्थी को पोषण और दूसरी अन्य सुविधाएं मिलने में आसानी होगी। इसके लिए कॉमन सर्विस सेंटरों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। गांव-गांव सेंटर खुले हैं जिनके द्वारा स्तरीय उद्यमी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर डिजिटलीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। और दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश के कानपुर से। 4 माह से मानदेय न मिलने पर आशा बुगों ने किया प्रदर्शन। पिछले 4 माह से मानदेय न मिलने और घर घर जाकर स्क्रीनिंग करने के दौरान पीपीई किट व मास्क न दिए जाने से आक्रोशित आशा बुगों ने शनिवार को रामा देवी स्थित सीएमओ कार्यालय में प्रदर्शन किया और सीएमओ डॉक्टर अशोक शुक्ला को मांगों का ज्ञापन भी सौंपा। आशा बहू अर्चना मिश्रा ने बताया कि कोविड-19 के चलते वे लोग घर घर जाकर लोगों की स्क्रीनिंग कर रही हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की ओर से उन्हें ना तो मास्क उपलब्ध कराया गया है और ना ही पीपी किट दी गई है। ऐसे में किसी कोरोना मरीज की स्क्रीनिंग से आशा बहु भी संक्रमित हो सकती है। तो दोस्तों आज मैंने आपको दी आशा और आंगनबाड़ी से संबंधित सभी मुख्य खबरें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो के ठीक नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उसको दबाइए और दबाने के बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, आप उसको दबाइए ताकि इस तरह का हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।